दोस्तों आज की कहानी है ननन जी की। आपने ससुराल में तुम ऐसे ही हाथ समेट कर बैठी रहती हो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। बहु पैसे वालों का ही जमाना है। जिनके पास पैसा होता है उनसे हाथ मिलाने के लिए हर कोई तत्पर रहता है। तुम्हारी ननन इतने पैसे वाली है ये नहीं कि उससे मेल जोल बनाकर रखे। अरे वक्त आने पर कब कौन काम आ जाए कौन जानता है। एक तुम हो कि उसे पूछती तक नहीं हो। जब हमें कोई जरूरत होगी तो तुम कहोगी। हमारे पास तो पैसे ही नहीं है इससे अच्छा तो तुम उसकी थोड़ी आओ भगती कर लिया करो। इससे क्या बुराई है। ललिता जी अपनी बहू निया से कहती हैं। निया बोली मम्मी जी दीदी अगर प्यार से कुछ दे तो मैं लेने से कभी नहीं मना करती लेकिन जब भी वह कुछ देती हैं तो अपने अमीर होने की बात जताती। रिश्ते में पैसों की समक हो व रिश्ते की समक फीकी पड़ जाती। ललिता जी बोली बहू बड़ी बड़ी बातों से घर नहीं चलता है। छोड़ो इस बातों को कितने दिन हो गए रेनू और दामान जी आए नहीं हैं। उनकी कोई खोज खबर ली हो उसे तुम्हारी तरह आराम काम मिलता होगा। अब इतने पैसे हैं तो हजारों काम भी होते होंगे। निया के ससुर बाहर से आए और बोले बहू तुम्हारी सास तो ऐसे बोल रही है मानो वह तुम्हें कितना आराम देती हैं। निया मुस्कुराने लगी तो ललिता जी बोली आप औरतों के बीच में मत आया करो ये हम दोनों के बीच की बात है। आपको तो पैसों की कोई कदर है नहीं खुद कभी पैसे देखे नहीं बस थोड़ी में ही खुश रहते आए। दामाद ने इतना कमाया तो उसकी भी कदर नहीं करते। अफसोस तो इस बात का है कि आपका बेटा भी आपके जैसा हो गया। निया बोली माँ जी आप दीदी को फोन कर लीजिए अन्यथा मैं उन्हें फोन कर लूँगी। आप पापा जी के साथ या बैठिए मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। और निया रसोई में चली गई। शाम में ललिता जी बोली बहू तुम ही फोन कर लो तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा आखिर मेरे बातों में ही तो ये सब देखना है। उनके सामने उसने फोन किया और आने के लिए आमंत्रित किया। पूरे परिवार के साथ दो दिन बाद रेनू मायके आई। निया ने सबको सही दिया तो रेनू के पति महेश बोले अरे भाभी पिछली बार भी आया था तो इसी कप में सही पिया था कोई नया टी शर्ट क्यों नहीं मंगवा लेते। रेनू तुम ही कोई अच्छा सा टी शर्ट लाकर भाभी को तोहफे में दे दो हमारे पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। ललिता जी बोली अरे दामाद जी अगली बार हम आपके लिए नया कप खरीद के रखेंगे और फिर क्या हम बेटी दामाद से लेंगे। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए निया मुस्कुराकर बोली जीजाजी सही सस्ती कप में पिया या महंगे कप में सही का स्वाद नहीं बदलता है। हाँ आपके स्टेडेंट का कब हम नहीं रख सकते तो आप थोड़ा एंड जस्ट हमारे लिए भी कर लीजिए। इतना कहकर निया फिर से रसोई में काम में लग गई। निया के ससुर बोले बहू मेहमान की आप भगत में लगी रहो परंतु अपना भी ख्याल रखना क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे ही नाजुक कंधों पे रहती है। इतना अगर कोई घर में औरत को बोल दे तो मानो उसका बोझ कम लगता है। दो साल रोज तो सब अच्छा चलता रहा जहाँ बच्चों को उसकी सास बस स्टॉप तक छोड़ती थी अब वह भी निया को ही करना पड़ता था। एक रोज बच्चे को छोड़कर जब वह आई तो उसके पति मानव बोले निया लंच बॉक्स जल्दी दे दो ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं है मैं ऑफिस में कुछ खा लूँगा। वो बोले दो मिनट रुक जाइए बस रोटी बनाकर डिब्बे में डालना है। माना बोले घर के सारे काम हो रहे मेहमान नवाज
बाजी तक चल रही है पर मेरा लंच बॉक्स अभी तक रेडी नहीं हुआ। मेहमानों के पैसे से ये घर नहीं चलता है। मैं तनख्वाह लाता हूँ तब घर चलता है। तो माँ की बातों में आकर अपने घर का बजट मत बिगाड़ देना, निया बोली मैं मई को। बस स्टोव छोड़ने गई थी, वह बोले वह तो माँ कर देती, माँ वहीं बैठी थी। वह बोली अरे मैं रेनू के साथ बैठकर चाय पी रही थी। ठीक है एक रोज देरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। तभी वह मुकेश जी आए और बोले अरे साले साहब मेरी गाड़ी की चाबी ले लो और ऑफिस चले जाओ, बड़ी गाड़ी दफ्तर में सब देखेंगे तो आपकी शान उसी हो जाएगी। माँ ने बोला जीजा जी लिए धन्यवाद पर मैं दूसरों के चीज़ों पर अपने सपनों का मेल नहीं खड़ा करना चाहता। पल दो पल की खुशियाँ बस मृग तृष्णा होती है। तो आप अपनी गाड़ी अपने पास रखिए और माँ मेरा काम घर बैठकर नहीं हो सकता, मेरा ऑफिस खुला हुआ है। ठीक है अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं आज पूरा दिन भूखा रहूं तो यही सही। और वह चले गए। निया को इस बात का बहुत बुरा लगा। निया के ससुर सब देख रहे थे। वह बोले ललिता तुम पहले बहू की थोड़ी मदद कर लिया करती थी, बेटी दामान के शक्कर में तुम ऐसी उलझी हो कि अपने ही बेटे को आज भूखा भेज दिया। वह बोली बेटी मायके आई है तो थोड़ा तो उसके साथ बैठूंगी ही, पूरा समय तो बेटे बहू के साथ ही रहती हूँ, इसमें क्या बुराई है। वह बोले तुम्हारी बहू भी किसी की बेटी है, कभी सोचा है दामान की आप भगत में लगी हो, परंतु बहू का मुरझाया सेहरा तुम्हें नहीं दिख रहा। बीमार पड़ गई तो सारा काम तुम्हें ही करना होगा, ये याद रखना। एक रोज दोपहर के खाने में निया ने बहुत सारी चीज बनाई परंतु सलाद में टमाटर काटना भूल गई। महेश जी बोले अरे भाभी सलाद में टमाटर तो है ही नहीं। सास बोली बहू तुम्हें पता है ना कि दामान जी को प्याज टमाटर कितना पसंद है, फिर क्यों नहीं काटी हो। मानव सब देख रहे थे। वह हंस कर बोले रेनू क्या अपने ससुराल में तुम ऐसे ही हाथ समेट कर बैठी रहती हो। वह बोली भैया मेरे घर में बहुत सारे नौकर साकर है, मुझे छोटे मोटे कामों के लिए अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ते हैं। माना बोले बहन तुम भूल रही हो कि तुम्हारे मायके में नौकर साकर नहीं है, वो जो रसोई में काम कर रही है वह तुम्हारी भाभी है। महेश जी की पसंद तुमसे ज्यादा कौन जानता होगा, कभी कभी किचन में जाकर देख लिया करोगी प्याज टमाटर काटा है कि नहीं। वो भाई के इशारे को समझ गई, सब खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। निया के ससुर किशन में आकर बोले बहू कुछ मदद करनी हो तो मुझे बताओ मैं कर देता हूँ। वो बोली नहीं नहीं पापा जी आप जाइए कमरे में इनके साथ थोड़ी देर बैठ लीजिए, इन्हें भी अच्छा लगेगा। रेनू को आए हुए दो हफ्ते से ऊपर हो गया था, बहू की हालत खराब होती जा रही थी, न तो वह बच्चों पे ध्यान दे पा रही थी न अपने पति पर, ये सारी चीजें उसकी सास की आंखों से छिपी हुई नहीं थी। एक रोज रात के 11 बज रहे थे, सब लोग इकट्ठा बैठे थे। निया की सास बोली बहू तुम जाकर सो जाओ नहीं तो सुबह जग नहीं पाओगी और कहीं बीमार पड़ गई तो खर्चा अलग होगा। रेनू निया से बोली भाभी सोने से पहले मुझे कॉफ़ी पीने की आदत है, अगर आप बना दीजिए तो मज़ा आ जाए। मानव झट से बोला अरे हाँ कल ही मुझे निया ने बताया था कि घर में कॉफ़ी ख़त्म हो गई है। मुकेश जी बोले ये घर है या गरीब खाना जो यहाँ दिन किसी न किसी चीज की कमी हो जाती है। निया को ये बात बहुत बुरी लगी। फिर निया बोली जीजा जी पैसों का घमंड इतना भी मत कीजिए कि रिश्तों की मर्यादा आप भूल जाइए, पैसा तो हाथ का मेल है, जिस दिन वह उतरना जीवन की पूरी सच्चाई सब चित्र की तरह सामने आ जाती है। जिस रोज पैसों को पैसों की समक खत्म होगी उस दिन रिश्तों की समक आपको पता चलेगी। इतना कहकर निया और मानव दोनों वहां से चले गए।
रेनू और मुकेश समझ गए कि सास के अलावा उस घर में उनकी चापलूसी करने वाला और कोई नहीं है, तो अगले ही दिन कोई बहाना बनाकर वह चले गए। बेटी के जाने के बाद ललिता जी बात बात पर न्याय से उलझती रहती थी। वक्त ऐसे ही बीतने लगा। इधर ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में मुकेश ने अपना काला धन अपने व्यापार में लगाया और एक दिन उसका पार्टनर लेकर उड़न शुरू हो गया। मुकेश ने उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया था। मार्केट से लिया हुआ सारा कर्जा उसके नाम पर रह गया। मुकेश और रेनू की हालत बहुत खराब हो गई। कर्ज की वजह से घर को छोड़कर हर चीज उनकी बिक गई। जब उन्हें और कोई नहीं दिखा तब रेनू को अपने भाई की याद आई। निया सब कुछ भुला कर मानव को बोली, आप उनसे नाराज मत हो, वक्त ने उन्हें सब सिखा दिया है। उम्मीद करती हूँ वो की गई गलती फिर से नहीं दोहराएंगे और रिश्तों का लिहाज रखेंगे। आखिर आप भाई हैं, बुरे वक्त में अपनी बहन की मदद आप नहीं करेंगे ये तो और कौन करेगा। मानव निया की बात मान गया और उन्हें अपने घर पर बुला लिया। ललिता जी को भी एहसास हुआ कि जो बेटी दामन अपने पैसों का रुतबा दिखाकर आए दिन बेटे बहू और उन्हें भी कुछ सुना दिया करते थे, उन्हें वक्त ने सब सिखाया और अपने बेटे और बहू का महत्व अब उन्हें समझ में आया। रेनू मायके में थी जब उसकी माँ थोड़ी बहुत मदद करने के लिए बोलती थी तो वह बात उसे खलती थी। एक रोज निया की तबीयत ठीक नहीं थी तो वह अपने कमरे में आराम कर रही थी। रेनू बोली, भाभी की थोड़ी तबीयत खराब क्या हुई, वह तो आराम करने चली गई और मायके में आकर काम करना पड़े तो मैं अपने ही घर में अच्छी थी। पिता बोले, समिया ये जो तुम्हें सबक सिखाया लगता है तुम अभी भी उससे कुछ सीखी नहीं हो। ऐसा व्यवहार रखोगे फिर तो इस घर में अपनों की तरह नहीं मेहमानों की तरह तुम्हारा स्वागत होगा। तभी ललिता जी आई और बोली, अगर अभी बहू ने मुझे रसोई में देख लिया होता तो इस हालत में भी वह मुझे काम करने नहीं देगी, मगर तुम बेटी होकर भी मुझसे इस उम्र में काम करवा रही हो। लगता है पैसों का भूत अभी तक तुम्हारे सर से उतरा नहीं है। बेटा आज भाई संभाल रहा, अगर रिश्ते बेहतर नहीं करोगी तो सोचा है कल को किसके पास जाओगी। भाई की मदद से धीरे धीरे मुकेश और रेणु का परिवार संभला और उन्हें एहसास हुआ कि जिस पैसे का तो एक मरग तृष्णा है, असली पूंजी तो हमारे अपने होते जो हमेशा सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। फिर कुछ वक्त बाद रेनू अपने घर चली गई। निया की सास बोली, बहुत तुम सच कहती थी, पैसों की समझ रिश्तों की समझ में नहीं आनी चाहिए। काश कि मैं तुम्हारी बात पहले समझ जाती और रेनू को भी समझा देती तो आज ये हालत नहीं होती। तुम मेरी हर बात को हंसी में उड़ा देती थी और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखती थी। पैसा तो हवा का वह झोंका है जो थोड़े वक्त की ठंडक देती है, अपनों का रिश्ता वो साया है जो सदा सुख दुख में साथ रहेगी और वह ने निया को गले से लगा।